तो हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज का हमारा जो काम है वो ये है कि हमने जाना है बनेली के शोरूम। कोई बाइक का पार्ट हमारा था ख़राब, तो उन्होंने कहा था यार नई शिपमेंट आ रही है तो उसमें आपको हम रिप्लेस कर देंगे। ये अबू बाइक को हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलें यार अपना सफ़र शुरू करते हैं। बैठूँ मैं इस पर? यार बड़े ध्यान से बैठना पड़ता है कि अगर दूसरा जो चला रहा होता है वो ज़रा सा भी आपके बैठने के वजह से अनबैलेंस हो, आप ज़रा सा भार दे के बैठो तो बाइक गिर जाती है। बड़े से बड़ा बंदा हो उससे बाइक संभाली नहीं जाती, बाइक गिर जाती है। तो चलें यार अपना सफ़र शुरू करते हैं। अब आगे यार आपको हम बनेली के शोरूम जाके मिलेंगे। यार बिल्कुल कमाल मौसम था, बादल आए हुए थे, ठंडी हवाएं थी। अब जैसे ही इशारे पे हम रुके हैं इशारा बंद है और धूप फुल कड़ाकी धूप हो गई है और स्किन ऐसे जलनी शुरू हो गई है, पसीने आने शुरू हो गए हैं। अब शुक्र है यार इशारा खुला है, लेकिन यार रश की ये सूरत हाल है कि मुझे लग रहा है एक बार फिर बंद होगा इशारा और फिर हमें थोड़ी देर धूप में सड़ना पड़ेगा। लेकिन यार हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें दोबारा धूप में सड़ने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ा और जल्दी हम इस शहर से फारिग हो गए, जल्दी निकल गए, हमारी जान छूट गई। तो फाइनली यार काफी टाइम के सफर के बाद हम लोग अब पहुंच गए हैं बनेली के शोरूम। ये हमारे लेफ्ट साइड पर बना लिया था। यार उतरते हैं बाइक से। ओए यार बाइक पे इसमें बैठने का यार सारा आपका पोस्चर वगैरह खराब होता है, पेंट भी सारी ऊपर चढ़ गई है, पेंट सही करते हैं अपनी। बाल शाल भी यार सही करते हैं, एक तो हवा बहुत तेज़ होती है जो पीछे बाइकर जो बाइक ड्राइविंग सीट के पीछे जो बैठा होता है बाइकर, उसके बाल शाल भी ख़राब हो जाते हैं हवा की वजह से, तो बाल सही करते हैं। और दूसरा कुछ, हम भी जंगली बने हुए, हमारे बाल बड़े हुए हैं, कटवाने का टाइम नहीं मिल रहा। तो क्या नाचोगे? तो चलें यार अंदर चलते हैं। ये कोई बाइक आई हुई है, इन्होंने इसका तिया पेंचा खोला है, इसको असेंबल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा पार्ट है यार जिसका आपको हमने वादा किया था कि हम दिखाएंगे। अब इसकी असेंबलिंग के वक्त भी आपको दिखाएंगे कैसे इसको असेंबल करते हैं, कैसे इसको लगाते हैं, चेंज जब इसको करेंगे तब आपको थोड़ा सा दिखाएंगे इसके बारे में। तो इसका यार पार्ट हमने चेंज करा लिया। अब वर्कशॉप पे मैंने उनको कहा था कि यार मुझे वीडियो वगैरह बनाने दें इसको चेंज कराने के लिए चेंज कराते वक्त, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा है यार वर्कशॉप में अलाउड नहीं है कैमरा। तो अब डेढ़ बज गया है, तो चले यार यहाँ पर ही करीब कोई मस्जिद उन्होंने बताई है, अब जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं तो बैठते हैं। अब चले यार जामिया शफिया में पड़ी है। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सका क्योंकि जल्दी जल्दी में यार एक रकत मेरी निकल गई थी, तो मैंने भाग के नमाज ज्वाइन किया। ये जामिया शफिया फिरोजपुर रोड पे है और इसके यार एक वाक्य है, ये जब जामिया शफिया तमीर हो रही थी, जब बन रही थी, तब इसका जो नक्शा था उसके बारे में ये लोग कन्फ्यूज थे कि इसकी जाए नमाज किस जगह पर हो, जो इमाम का मसल्ला है वो किस जगह पर बनाना है। तो उस वक़्त जब ये बना रहे थे उस वक़्त जो इधर के हेड थे उनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे और ख्वाब में उन्होंने
इसका नक्शा ड्रॉ किया था कि इस जगह पे मसल्ला होना चाहिए इसका। यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे मैक्लोड रोड, वहाँ से हेलमेट वगैरह लेने और कोई बाइक की एक्सेसरीज वगैरह और लेनी है, और उसके बाद यार देखेंगे लक्ष्मी चौक जाएंगे, वहाँ के गोलगप्पे वगैरह बड़े फेमस हैं यार, वो खाएंगे, फिर देखते हैं आपको यार जो भी हो आपको भी साथ दिखाएंगे। मैक्लोड रोड से यार ये एक हेलमेट लिया है हमने, अब पनेली के कुछ यार एक्सेसरीज वगैरह लेनी है, इसकी क्रैश गार्ड और हैंड गार्ड वगैरह लेनी है, तो अब जा रहे हैं यार कोई बुलेट वन के नाम से यहाँ पर किसी ने शॉप रेफर की है, उधर जाके देखते हैं कि क्या जो है वो कुछ मिलता है नहीं मिलता। अभी फिलहाल तो यहाँ पर यार रश की सूरत हाल आप लोग देख सकते हो, और ऊपर से वो इतनी है यहाँ पर कुत्तों की वो फैली हुई है। यार बारिश शदीद तेज शुरू हो गई है, अभी मैं यहाँ पुल के नीचे से गुजर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है आप लोगों को शायद नजर ना आ रहा हो, तो हम लोगों ने अपने ये बुरके निकाल लिए हैं रेनकोट्स, तो ये पहन के हम चुड़ैलें बन गए। अब चलते हैं यार, देखते हैं गोलगप्पों वाला ढूंढते हैं, बारिश में मुश्किल ही है, अगर मिल गया तो ओके हो जाएगा, वरना फिर हाफिज जूस पी लेंगे देख लेंगे। हम हाफिज जूस कॉर्नर आ गए, अब यहाँ से देखते हैं यार खोया खजूर वगैरह पियेंगे या कॉकटेल वगैरह पियेंगे, देखेंगे। बारिश शदीद तेज़ है, आपको मेरी लुलाट भांडों वाली हालत से पता लग गया होगा, बाल वगैरह मेरे आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरे पानी गीले हो चुके हैं। अब देखते हैं यार क्या हम यहाँ से लेंगे। ये यार अंदर तैयार कर रहे हैं वो लोग, हमने एक कॉकटेल मंगवाया और एक खोया खजूर मंगवाया, अब इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं यार जब आता है आपको भी दिखाते हैं कैसा है। यार ये हमारा ये खोया बादाम है, ओके हो गया ये बिकने, और ये कॉकटेल आ गया जी, शुक्रिया। ये भी आपको बोनस में, एक मजे की बात है यार ये साथ इन्होंने थोड़ा सा बोनस भी दिया है, ये रेगुलर लेने का ये फायदा है, थोड़ा सा बोनस दे देते हैं ये। ठंडा ही नहीं है, पहले यार कॉकटेल ट्राई करते हैं पी के देखते हैं, जबरदस्त यार ले लो, गरम बहुत अलग टेस्ट है। अब थोड़ा सा यार काजू बादाम ट्राई करेंगे, इसमें बर्फ डाली जा रही है, ये भी मजे का है, लेकिन मुझे जो पर्सनली ज्यादा अच्छा लगा है वो कॉकटेल अच्छा लगा है ज्यादा, तो हम तो कॉकटेल ही पियेंगे, ये हम अब्बू के खाते में डालेंगे। कैसा लगे अब्बू? इसको खत्म करते हैं, उसके बाद आगे मिलते हैं, देखाते हैं आपको क्या करेंगे आगे। कॉकटेल वगैरह पी लिया, अब वापस निकलते हैं यार, ऑफिस वगैरह चलते हैं, काम शाम बड़ा पेंडिंग है, हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, सारा दिहाड़ा जो है वो इन्हीं कामों में निकल गया। इसके यार गियर अप करने में ही आधा घंटा निकाल देते हैं, बैठने का तरीका आप लोगों को नहीं मैंने दिखाया, ये इसका जो फुट रेस्ट है इससे हमने सहारा लेना होता है, और जैसे घोड़े पे नहीं बैठते वैसे इस पे बैठना होता है। तो हमारी बनेली TRK 251, उसके यार हमने लेमिनेशन उसको हम कराना चाह रहे थे, तो मार्केट में यार और भी काफ़ी कलर्स के थे पेपर्स वगैरह, लेकिन हमने उसका जो वाइट ओरिजिनल कलर है उसी को ही हमने कहा चलो यार उसी को प्रिजर्व रखते हैं, उसी को ही सही रखते हैं। तो ये हमारे साथ भाई हैं, ये यहाँ पर लेमिनेशन करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये थोड़ा सा समझाएंगे किस तरीके से इसको करेंगे लेमिनेट? सर ये लेमिनेट हो रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट PPF। ठीक है ठीक है, ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है, पे स्क्रैच वगैरह स्वील वगैरह नहीं पड़ते बॉडी के ऊपर, ठीक है। हीट गन कल को आप रिमूव करेंगे ऐसे ही नीचे से ब्रांडिंग बाइक की देंगे आप, स्क्रैचेस वगैरह से बचाती है, स्क्रैचेस वगैरह से मेन मकसद ही इसका यही है। ओके हो गया, और इसको सही तरह इंस्टॉल करने के लिए ये हीट गन है शायद आपके पास? तो चलें यार देखते हैं किस तरीके से इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ये बाइक हमारी होगी थी लेमिनेट,
अब हम ऑफिस आए हैं, थोड़ा सा काम शाम करते हैं, तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो की तुम लोगों को खबर मिल सके।